उड़ गई बेटा अपनी ओए अपनी जाग ना बॉम ऋतिक गाइस मैं आपको बताने को सो हे गाइस व्हाट्स अप कैसे आप सब लोग, मेरा नाम अनुराग और आप देख रहे चैनल अनुराग व्लॉग्स। सो गाइस आज हमारी वीडियो में एक नया बंदा आया है, तो पहली बार आ रहे हैं हमारी वीडियो में, तो ये हमारे है प्रिंस भाई, प्रिंस नाम है इनका। तो हेलो कर दो। हेलो। तो आज यार अभी हम तीनों यहीं पर बैठे थे तो एकदम से दिमाग में आइडिया आया कि यार 26 जनवरी आ रही है अब, तो उस पर क्या करा जाए। तो फिर आर्यन भाई ने भी मुझे बताया कि चल यार एक काइट बनाते हैं, न्यूज़पेपर की काइट और एक रॉकेट बनाते हैं। रॉकेट हमने एक बार पहले भी बनाया था, एकदम बढ़िया से उड़ाया था हमने उसको, तो किस चीज़ से रॉकेट बनाएंगे वो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। तो काइट हम अभी बनाने वाले हैं, तो आपको दिखाता हूँ कि न्यूज़पेपर से काइट कैसे बनती है और एकदम बढ़िया से उड़ने वाली काइट। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप कर लो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को कर लेना लाइक और बड़े से प्यार से कमेंट कर देना कि आप हमने जो पतंग बनाई है कैसी लगी है वो। तो चलो मिलते हैं आपको। तो चलो स्टार्ट करते हैं काइट बनाना। तो सबसे पहले हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इसकी, न्यूज़पेपर की, और एक फेविकॉल, टेप, और जो सीप की झाड़ू होती है उसमें से तिल्ले होते हैं वो वाली, चार या पांच ही आप ये ले सकते हो, और हमें सीजर की जरूरत पड़ेगी बस, और इसके अलावा हमें और किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो सबसे पहले न्यूज़पेपर को कट कर लेते हैं। जो पतंग है वो शेप लेने लगी है अपनी कुछ इस तरह से। तो ये वाली जो है वो मैंने बनाई है और ये वाली जो है वो आर्यन ने बनाई है। इसने जल्दी का काम शैतान का वो करा है, इसके एक बारी जो ये देखो इसने किस तरह से चिपका दिए जल्दी जल्दी में। तो मैंने जो है एकदम आराम से बिल्कुल बढ़िया से इसके पैचेस जो है चिपकाए हैं यहाँ पे एकदम ट्रायंगल शेप में काट के। तो जैसे भी बनेगी बढ़िया, जिसकी उड़ गई वो बढ़िया, पता चले मेरी उड़ी नहीं थी इसकी उड़ गई, तो जिसकी सबसे बढ़िया बनेगी वो ही उड़ा देंगे। और तो आप एक बात का ध्यान रखना कि जो न्यूज़पेपर होता है उसका जो पेपर होता है वो बहुत ही ज़्यादा हल्का होता है, और उसके ऊपर जो आप तिल्ला चिपकाओगे ना वो भी हल्का होना चाहिए, ज़्यादा भारी नहीं होना चाहिए। अगर वो ज़्यादा भारी होगा तो ढंग से पतंग उड़ेगी नहीं, भारी पतंग। तो गाइस पतंग बनाते बनाते हमको लग गई थोड़ी भूख और पतंग यहाँ पे सूख रही है सोफे पे, ये रही एकदम बढ़िया से बन चुकी है, अब जाके इसको सिर्फ उड़ाना है। सो गाइस जो हमारी पतंग है वो एकदम बन चुकी है बढ़िया तरीके से, और यार घर में एकदम गंदा कूड़ा कूड़ा मचा दिया हम लोगों ने, साफ करना पड़ेगा नहीं तो मम्मी है ना जिस झाड़ू से हमने बनाई है वही झाड़ू उसे पिट लेंगे हम। तो चलो एक बार आपको दिखा दो क्या हाल हुआ कमरे का। तो भाई लोग ये देखो पहले तो यहाँ पे तिल्ले विल्ले बिखार रखे हमने, पूरा कमरा सब फैला दिया। और ये आर्यन ने पतंग बनाई थी, इसका कुछ पता ही नहीं है कि क्या होना क्या नहीं, तो एकदम बेकार हो चुकी है ये। और तो चलो अब अपनी पतंग पे आते हैं, जो मैं बना रहा था वो एकदम सेट बन चुकी है ये देखो। ओ भाई बाद में हम दोनों ने बनाई है। हाँ इसने भी हेल्प करी थोड़ी सी। और भाई ये देखो पतंग एकदम शेप में एकदम ऐसे बड़े लग रही है। तो हाँ मैं एक चीज बता दूं आप लोगों को, तो ये जो मैंने यहाँ पे पैचेस लगाए ना ये और इस साइड भी यहाँ पे भी मैंने एक दो बार पैचेस लगाए हैं, तो और इसका बीच में तो मैंने कोई भी पैच नहीं लगाया क्योंकि तिल्ला चिपक चुका था। यहाँ पे मैंने पैचेस लगाए हैं क्योंकि तिल्ला भी टेढ़ा हो रहा था और इसको सीधा भी हो गया। तो अगर आपका भी अगर तिल्ला ऐसे टेढ़ा हो तो दोनों तरफ पैच लगाना, क्योंकि अगर एक ही तरफ आप अगर ऐसे लगा दिया
तो जो वेट है वो एक ही तरफ को हो जाएगा और आपकी फिर पतंग एक तरफ को भागेगी या उड़ेगी नहीं, तो इसलिए ध्यान रखना इन सब चीजों का। तो पीछे से भी 2000 years later। तो गाइस छत पे हम आ चुके हैं अपनी, ये वैसे मेरी नीचे प्रिंस भैया रहते हैं, आपको शुरुआत में वीडियो में बताया भी था तो दिखा भी दिया था प्रिंस भैया। इस वाली छत का लगा हुआ था ताला, तो हम ये साथ वाली छत से टॉप के घर को आए हैं, तो घर वालों को पता नहीं है कि हम इस छत पे हैं। तो इस छत पे हम इसलिए आए क्योंकि एक तो देख सकते हो आप चारों तरफ खुला है और पतंग एकदम बढ़िया से उड़ेगी, और जो मैंने आपको कहा था कि रॉकेट बना के दिखाऊंगा तो रॉकेट भी यहाँ से बढ़िया कहीं भी उड़ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, पता चले किसी के सर्वर पे लग गया तो सेफ्टी से सब कुछ करेंगे। तो ये भाई अपना रॉकेट उड़ाने में एक्सपर्ट है, इसको जानते ही होंगे एग्जॉटिक ब्लॉग्स। ठीक है, तो ये भाई अपना रॉकेट उड़ाने में एक्सपर्ट है, तो ये रॉकेट उड़ाएगा। तो गाइस दो चार बातें बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप सब लोगों को हैप्पी मकर संक्रांति, आज मकर संक्रांति है। तो दिल्ली में इतनी ज़्यादा मनाते नहीं है, हरियाणा और पंजाब की साइड ज़्यादा मनाते हैं, वहाँ पर ज़्यादा पतंगें उड़ती हैं। तो और एक चीज़ और कि मैं आपको सॉरी बोलना चाहता हूँ, क्यों सॉरी बोलना चाहता हूँ मैं बता देता हूँ। एक तो हमारा ब्लॉग बहुत ही हद से ज़्यादा लेट हो चुका है, तो बीच में हमने एक ब्लॉग शूट कर लिया था, उसका थंबनेल मैंने इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दिया था, जो मुझे इंस्टाग्राम पे लोग फॉलो करते हैं उनको पता चल गया होगा कौन सी वीडियो थी। तो अगर आप नहीं करते हो तो जाओ जाके कर लो, इंस्टाग्राम आईडी मेरी स्क्रीन पे आ रही होगी। तो मैंने अपलोड करा था अपने ओल्ड फोटोज़ के ऊपर, रिएक्शन देने थे हमने सबने फ्रेंड्स ने, तो वो वाला ब्लॉग जो था वो हमने शूट कर लिया, सब कुछ अच्छे से हो गया उसका। जब एडिटिंग करने बैठे ना तो भाई पता चला कि वीडियो के सारे पिक्सल्स फट चुके थे। अरे 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 क्या हो गया, क्या हो गया, और इधर हमारे मामा आ चुके हैं। हाय गाइस, कार्तिक कहाँ है? कार्तिक नहीं अभी आ रहा है। तो ये हमारी होममेड पतंग उड़ रही है जो बनाई थी। चल भाई सेकंड ट्राई। भाई से तो उड़ेगी, मेरे से कच्चा उड़ेगी ये। एक तरफ को जा रही है पतंग। अरे हवा चल गई तेरी बारी में तो यार। उड़ गई ओए बेटा, अपनी ओए अपनी जा के ना बहुत मारूंगा भगवान। अनुराग खींच खींच। ओ शिट भैया, किस्मत में इतना ही उड़ना लिखा था। ओ गई 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 हवा में, ओए हवा चल गई, छोड़ दे हवा चल गई। ओए बोरी 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 उड़ गई, होममेड पतंग फाइनली उड़ चुकी है। वो नहीं जानते हो नहीं। ओए यार ये टुंडा कहाँ से आया यार, ये तो बिल्कुल ही बेकार बंदा है यार। किस तरह टंकियों में अटका दी यार पतंग भैया। तो हमारी जो मेहनत थी वो टंकियों में जाके टकरा गई। जो भेजी थी पतंग बनाने में अटक गई टंकी। बनाने में 2 घंटे लगे और गवाने में 2 मिनट। अब रॉकेट उड़ा रहे हैं, पहला रॉकेट और पहली पतंग। बता दो देख अबे कैसे उड़ाना है। आओ आओ देख, तो बता देता हूँ। तो ये बोतल के ढक्कन में हमने छेद कर दिया और इसके ऊपर 10 रुपए की वाल बोटी लगा दी इसमें। अब इसके अंदर बनेगा पानी, अब इसके अंदर पानी भरा जाएगा हल्का सा। कितना बनना? एक्सपर्ट्स, रॉकेट एक्सपर्ट्स। तो ये सब काम एक्सपर्ट के निगरानी में हो रहा है। अपनी प्रमोशन नहीं छोड़ रहा भाई, नहीं छोड़ना। बस 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 ज्यादा मत भर आधा। चलो अपने ब्लॉग की प्रमोशन। अब तो तेरी मासी तक को पता लग गया होगा कि हम ऊपर हैं। अच्छी बात है। मासी ने वैसे मना कर दिया था कि ऊपर नहीं जाना, जो जिनकी छत है ना वो वकील है, तो वो बोल रहे थे वकील। तो वो क्या है वो? लॉयर। लॉयर वकील ही कहता भाई उसको। तो उन्होंने मना करा था कि ऊपर मत आना, तुम गंद मचा के चले जाते हो, पर हम फिर भी यहाँ से टाप के आ गए। काम ही ऐसे सारे उल्टे काम। लो मैं हवा में भरूंगा, ओए रहने दे, ले पकड़ तू। वो फट ना जाए एकदम से कहीं भाई, फट जाए वो तुम्हारे ऊपर है, ये है हिसाब इसका। चल छोड़ दो, बहुत है, टाइट हो गई देख, बोतल टाइट हो गई। अरे बहुत ज्यादा। चल अभी तो और बनेगी, क्या करूं एकदम खोल दियो।
अबे ला मैं बोलू ला पकड़ पतंग और रॉकेट फेल वो आता ना इसमें खड़े होकर जंप मारता तो वो उड़ जाता है भाई सेकंड अटेम्प्ट ऋतिक पतंगे भाई पतंगे गीली हो गई रॉकेट के चक्कर में पतंगे गई भाई सेकंड अटेम्प्ट हो गया और मैं हो गया पूरा गीला भाई अटेम्प्ट का पतंग हो गया ऐसी तैसी हो गई देखो इन्होंने क्या था सामने गया मैंने दोबारा भी तो बहुत बोतल लाए हम यार कामयाब कहाँ कबाड़ी कबाड़ी लोग कबाड़ी वाले से लेके आए ये बोतलें चल बे नहीं आयरन की आदत है लाहौरी जीरा पीने की लाहौरी कैमरा पे आ गई कहाँ टाइट हो रहा है भाई छोड़ दे ढक्कन नहीं बची हुआ चलो 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 राग विलोक्स की हरकत है छोटी बोतल से बड़ा बोतल तो अब मार्केट की पतंग उड़ाई जाए अपनी तो हल्की सी उड़ के पता नहीं कहाँ चली गई शहीद होगी वो और ये वाला प्लान भी काम नहीं आया जो रॉकेट वाला था एक एक इसने उड़ा दी वो एक ही अटेम्प्ट बढ़िया गया बाकी सारे बेकार गए इसके देखे कहते आर्यन भाई के तो आर्यन प्योर फेल गजब बेस्ती बेस्ती पे बेस्ती हुई है उसकी भाई ये पतंग भी तू नहीं उड़ाएगा मामा उड़ाएगा मामा बिजी लोग अरे बाजार वाली पतंग तो उड़ गई दो मिनट में शग्गे नहीं हो रहा भाई कुछ इसका रॉकेट नहीं हो रहा होगा देखते हैं अभी हमारा रॉकेट जरूर उड़ेगा हमारा चंद्रयान 3 चंद्रयान 4 है भाई हाँ आसमान में तो कोई है नहीं पतंग उड़ा के आगे लेते चलो भाई संक्रांति बता नहीं आज के दिन तो उड़ानी चाहिए शायद से है ना तो कैसा लग रहा है आज हमारा एक मिशन तो हल्का सा सक्सेसफुल रहा ही है पर दूसरा खराब हो गया हमारे अनुराग ब्लॉग्स में अपने एग्जोटिक ब्लॉग्स का ये अपने प्रमोशन दे ही जा रहा है पहले एक और बार एग्जोटिक ब्लॉग्स पैसे दे तू दे रहा हूँ पैसे वैसे ये पतंग हमारी भी नहीं है हमने किसी दोस्त से मांगी थी हम ट्राई कर रहे थे कि पहली फ्लोर तक आवाज ना जाए आखिरी फ्लोर तक आवाज गई होगी हमारी मासी ने उसे मना करा था कह रही थी कि ऊपर मतलब कि जाना मत गंद मचा के आओगे और वैसे मच चुका है थोड़ा बहुत अब इसको साफ करना पड़ेगा भाई गंद नहीं मचाया कुछ हमने बोतल है बोतल ले जाएंगे हाँ वो साफ बिना साफ करे भाग गए तो बहुत मार पड़ेगी ये पतंग बहुत मतलब मैं बता रहा हूँ थोड़ी भारी सी हो रही है क्योंकि इसके अंदर वो जो डायमंड के नग है ना वो हवा में थोड़े देखो 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 पतंग घूम रही है तो अगर आप पहचान गए हो कि ये किसकी एक्टिंग कर रहा है भाई तो कमेंट करके मुझे बताओ उड़ा नहीं रहा अच्छा खुलेगा नहीं तो एक कॉम्पिटिटर आ गया है जो कि वो पतंग उड़ा रहे हैं तो इनसे बात करी जाए इनसे बात क्या पेचे लड़ाएंगे अभी देखते हैं किसकी कटती है किसकी नहीं अभी तो उनकी उड़ी नहीं है उड़ा रहे हैं वो कोशिश कर रहे हैं वो देखो कोशिश करी जा रही है अभी तो वहाँ पे और हमारी पतंग पहुँच गई है सातवें आसमान पे कहाँ है हमारी पतंग येरी देखो नहीं दिख रहा कैमरे में फोकस ऑन कर ब्राइटनेस भाई इसका कलर देखो भाई ब्राइटनेस फुल कर दे अरे वुड पैकर है भाई देखो कैसा है भाई ये चोंच देखो कितनी लंबी है ओए भाई उड़ गया यार कहाँ है गया पीछे गया भाई आज पूरा फॉर्म में आए और हमारी पतंग के साथ दो पंछी उड़ रहे हैं कांगे दिखी नहीं रही ये रही
ये रही। और ये भाई अपना जी जान से मेहनत करे जा रहा है, कुछ हो भी रहा है हवा भर हूँ तो पीछे उसकी हेल्प कौन करेगा फिर? पीछे हेल्प कौन करेगा? बहुत दूर भाई, हवा निकल गई। अबे यार भाई, बंदा कहता कि भर भर पतंग भर, वो भावा भर हवा भर, मैं जैसे हवा भर के हटाता हूँ कैमरा हाथ में ले लेता हूँ, पर यार ये होती नहीं। लेट लेती भी इंसान है, लेट लेता है। चलो गाइज, अब वीडियो एंड करने का समय आ चुका है। पतंग वतंग उड़ा के एकदम से सब नीचे ले आई है, पैकअप हो चुका है एक तरफ से। तो चलो वीडियो को क्लोज करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कर देना वीडियो को लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और अगर बाकी वीडियो मेरी अगर नहीं देखे तो जाओ जाके देखो मेरे चैनल पर विजिट करके। तो यही करेंगे, कामना मुसीबतों का करते रहेंगे सामना, मुश्किलों से मत घबराना, चैनल सब्सक्राइब करके जाना। बाय गाइज, बाय। We'll be right back.